सुंदरपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। हरिया इतना गरीब था कि उसे दो वक्त के खाने के लिए हर रोज कमाना पड़ता था। जिस दिन हरिया काम नहीं करता उस दिन उसके परिवार को खाना नहीं मिलता था। एक दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई और होते होते शाम हो गई। बारिश होने के कारण हरिया काम पर नहीं गया और उसका परिवार पूरा दिन भूखा रहा। फिर शाम को हरिया की पत्नी हरिया से बोली, वो जी सुबह से शाम हो गई और बच्चे पूरा दिन भूखे रहे, अब लगता है रात में भी भूखा ही सोना पड़ेगा। देखो तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ सेठ जी के यहाँ और उनसे कुछ पैसे कर्ज लेके पूरा सामान लेके आता हूँ। इतना बोलने के बाद हरिया उसी मूसलाधार बरसता बारिश में सेठ जी के घर के लिए निकल गया। बारिश काफी तेज हो रही थी और बिजलियां भी बहुत तेज तड़क रही थी, जिसके कारण हरिया को ठंड भी लग रहा था। हरिया जैसे तैसे सेठ जी के घर पहुंचा और बोला, सेठ जी मुझे आपसे कर्ज में कुछ रुपया चाहिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। देख हरिया, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा पर तुझे ब्याज के साथ मुझे पैसे देने होंगे और वो भी 2 महीने के अंदर। सेठ जी 2 महीने तो मेरे लिए बहुत कम टाइम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपका पैसा दे दूं। ठीक है, फिर मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। इतना बोलने के बाद सेठ जी ने हरिया को पैसे दिए और हरिया ने मार्केट से सामान लिया और उसी रास्ते से घर जाने लगा। थोड़ी सी रात हो गई थी तो हरिया को दिखाई थोड़ा कम दे रहा था। हरिया वैसे चलते हुए जा रहा था तभी उसके सामने अचानक से चुड़ैल प्रकट हो गई। हरिया काफी डर गया क्योंकि उसके शरीर में खून लगा था। हरिया ने पूछा, कौन हो आप, मेरा रास्ता क्यों रोक रखी हो? मैं एक खूनी चुड़ैल हूँ, इस रास्ते से जो भी रात को आता है मैं उसे मारकर उसका खून पी जाती हूँ। आज तुम्हारा बारी है, आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। देखो मैं अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेके जा रहा हूँ, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, मैं उन्हें सामान दे के आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मेरा खून पी जाना। इतना सुनने के बाद चुड़ैल ने हरिया को उसके घर जाने दिया। हरिया ने सामान लेके अपने घर आ गया और चुड़ैल को उल्लू बना दिया।